मेरे भाई एस किचम, तुमको एक बात बोलना चाहूँगा। जीवन में गम देना बट आंसू मत देना, दोस्ती में प्यार में धोखा मत देना, जो चाहे मांग लो जिंदगी में बट कभी अलविदा मत कहना। बट आई नो तुम मेरी बातों का मानने वाले हो, हमने तुमको कितना सपोर्ट किया भाई साहब। यार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने, मेरे सब्सक्राइबर ने, सब ने एक फैमिली बनकर तुमको सपोर्ट किया, चाहा कि तुम जीत जाओ, दिन रात एक कर दी। जिस दोस्त तुम्हारे सामने आया उसकी ऐसी की तैसी रोस्ट भी कर दिया, हमको लगा तुम जीत जाओगे, हमें खुशी होगी। लेकिन हमें खुशी तो हुई, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा हमको दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि तुम हमको छोड़ के जा रहे हो। अरे हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, हमसे ऐसी क्या नादानी हो गई कि तुम हमसे दूर जा रहे हो। भाई बताओ यार, हम उसको सुधारेंगे, तुम्हें कोई भी यार शिकायत का गुंजाइश नहीं देंगे, लेकिन जा रहे हो, रहने दो यार, अभी हम इमोशनल वाली गली में जाना नहीं चाहते। तो इस किस्म के मतलब समाप्ति के बारे में मैं सोच रहा था, तब मुझे पता चला कि यार प्रैंक होने वाला है, बट कुछ हमारे साथ में प्रैंक होगा। वो ऐसा प्रैंक होगा कि हमको बताया जाएगा कि एस ऑलरेडी पोकेमोन मास्टर है। और यार तब मुझे ये बात पता चली कि यार भाई अगर ऐसे ही करना था तो इससे अच्छा एंडिंग में इसको फादर को लेके आ जाते। तो इन दोनों बातों को मैंने कंबाइन किया तो फिर मुझे पता चला, अरे भाई एस को पागल किया उसके फादर ने। आई मीन पूरा कॉन्टेक्स्ट सुन लो फिर मुझे गालियां दे देना। आई मीन देखो दोस्तों, तुम्हें याद होगा एस के फादर को और पोकेमोन मास्टर को दोनों का एक मिस्ट्री बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन पोकेमोन की एक मूवी में दोनों को सोल्व किया गया था, लेकिन हमने उसको यार हल्के में ले लिया, हमको लगा हाँ भाई ऐसे ही डायलॉग बोला होगा, लेकिन वो डायलॉग नहीं था, वो था पोकेमोन जर्नीज का अंत। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पोकेमोन मूवी सीक्रेट ऑफ जंगल्स के बारे में। उसके अंदर एक नया प्राणी आया था कोको, उसके साथ जब एस के साथ मिला, एस ने उसको बोला कि बचपन में जब मैंने मेरे फादर को यार देखा, उनसे इंस्पायर होकर मैंने यार ये बनना चाहा पोकेमोन मास्टर, लेकिन मेरे दोस्तों ने, जब छोटे छोटे दोस्त होते हैं, उसने बोला मुझे पोकेमोन मास्टर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने बोला होता है, तुम यार उनको गलत प्रूव करो। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है उस टाइम एस के फादर भी गलत थे और एस भी गलत था, बिकॉज छोटे बच्चे समझदार थे, उनको पता था पोकेमोन मास्टर जैसा कुछ होता नहीं है, पोकेमोन मास्टर टाइटल जैसा कुछ होता नहीं है। और अब यार यही बात प्रूव होने वाली है पोकेमोन के समाप्ति में, मतलब हमको दिखाया जाएगा एस पोकेमोन मास्टर है, पोकेमोन की परवाह कर रहा है, यही पोकेमोन मास्टर है। तो भाई ऐसे तो एस एकदम बचपन में ही पोकेमोन मास्टर बन गया था बे, उसकी जर्नी को शुरू ही क्यों किया अगर अंत ऐसा करना था। तो भाई जानता हूँ हमसे अलविदा लेना था, तो भाई साहब यार जो ये बात तुमने बताई थी जंगल्स वाली मूवी में, तो भाई साहब यार पोकेमोन मास्टर की बात तुम बता रहे हो ऐसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार एंडिंग में एस के फादर आए और यार वो खुद बोले कि देखो बेटे एस किचम, तुम ऑलरेडी पोकेमोन मास्टर हो, तो भले ही मैं इनको माफ़ कर दूंगा, बट यार अगर एस किचम खुद ही बोलेगा कि मैं ऑलरेडी पोकेमोन मास्टर हूँ ऐसे वैसे, तो यार मुझे घंटा परवाह करूंगा और बता रहा हूँ मैं रोस्ट कर दूंगा। आई होप यार अंत में एस के फादर आए और बोले मेरे बेटे तुम ऑलरेडी पोकेमोन मास्टर हो, मैंने तुम्हारा मुकाबला देखा वर्ल्ड कॉर्नेशन सीरीज के अंदर और तुमने क्या मुकाबला किया, और यार मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हें चैलेंज करने के लिए। और एंड में हमको दिखाया जाएगा एस का पिकाचू सामने खड़ा है और सामने एस के फादर का पोकेमोन ब्लास्टोइस या फिर विनासोर सामने खड़ा है, बिकॉज हर बार चाइजर देना सही नहीं रहता है। अब तुम मुझे बताओ क्या एस के फादर की मिस्ट्री को सोल्व किया जाएगा एनिमे सीरीज के अंदर एंड के एपिसोड्स में, या फिर हमारा पॉपअप कर दिया जाएगा और बोलेगा फादर भी कुछ नहीं होते, मास्टर भी कुछ नहीं होते, जाओ यहाँ से, और पब्लिक का आंसर दो यार, बाय बाय।